पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाया था पीकेएल ऑक्शन के ऊपर एंड उस वीडियो में मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन हमें मई के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। What happened bro? Where's auction announcement bro? Yes, मैं समझ गया, नहीं होने वाला है ऑक्शन मई के महीने में। ये पहली बार नहीं हुआ है। प्रो कबड्डी के सामने अच्छे से अच्छे सोर्सेस फेल हो जाते हैं। सो फिलहाल पीकेएल को भी नहीं पता है कि कब होगा पीकेएल 11 का ऑक्शन। ओके जोक्स असाइड, आखिर क्या हमें अपडेट मिला है इसके ऊपर, कब देखने को मिलेगा हमें ऑक्शन, क्योंकि इस बार काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी था ऑर्गेनाइजर्स के पास कि प्रो कबड्डी को अपने नेचुरल विंडो में शिफ्ट कराए, जो कि जुलाई अक्टूबर का महीने में हमें प्रो कबड्डी देखने को मिलता था। सो अब क्या पॉसिबिलिटीज है ऑक्शन का और लीग का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि प्रो कबड्डी के कितने नेचुरल विंडोज है। डीटी नेक्स्ट की इस आर्टिकल को देखिए, लास्ट ईयर का है चरु शर्मा के साथ, जो कि पीकेएल के को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। तो उनसे पूछा गया कि हमें प्रो कबड्डी सीजन 10 कब शुरू होते हुए दिख सकता है। इसमें उन्होंने एशियन गेम्स के बारे में बात किया, जिस साल भी एशियन गेम्स होता है कितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको फेस करना पड़ता है। चार साल में एक बार हमें एशियन गेम्स देखने को मिलता है एंड उसके कारण प्रो कबड्डी आगे पुश होता है, नेचुरल विंडो पे प्रो कबड्डी नहीं करवा पाते। तो फिर से हम उसी सवाल पे आ चुके हैं कि आखिर प्रो कबड्डी के कितने नेचुरल विंडो है। इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा है कि आवर सीजन रन्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर और अर्ली अक्टूबर। दो विंडोज है, पहला विंडो की जुलाई से हमें देखने को मिलता है, जुलाई से सितंबर, वो पहला प्रायोरिटी है एंड दूसरा विंडो है कि अक्टूबर के महीने से ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। एंड हमें अक्टूबर में भी दो बार प्रो कबड्डी का सीजन देखने को मिल चुका है, प्रो कबड्डी का 6th सीजन जिस साल एशियन गेम्स 2018 हुआ था एंड प्रो कबड्डी का 9th सीजन कोविड के बाद जो हमें बेंगलोर में सीजन 8 पूरा देखने को मिला एंड जो अगला साल 2022 था उसमें पीकेएल सीजन 9 अक्टूबर के महीने से देखने को मिला। एंड एक थर्ड विंडो भी है प्रो कबड्डी का जो कोविड के बाद बना, दिसंबर का महीना, एंड इस विंडो में भी हमें दो बार प्रो कबड्डी देखने को मिल चुका है। एक तो 8वां सीजन था एंड अभी रिसेंटली 10th सीजन हमें एशियन गेम्स के कारण दिसंबर में देखने को मिला। एंड मुझे नहीं लगता है कि दोबारा प्रो कबड्डी का सीजन कभी भी दिसंबर के महीने में शुरू होगा। सो सवाल ये उठता है कि प्रो कबड्डी का 11वां सीजन कौन से विंडो में देखने को मिलेगा। पहला प्रायोरिटी वाला जो विंडो है जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है, अगर उसमें प्रो कबड्डी का सीजन करवाया जाए तो सबसे पहले ऑक्शन कैसे भी करके मई के महीने में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि दो महीने का समय मिले सभी टीम्स के पास प्री सीजन कैंप करवाने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मई का महीना पूरा खत्म हो चुका है, तो पहला विंडो में हमें प्रो कबड्डी का 11वां सीजन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑफिशियली हम सेकंड नेचुरल विंडो की तरफ बढ़ चुके हैं प्रो कबड्डी का, जो कि अर्ली अक्टूबर है। तब ऑक्शन हमें कब देखने को मिलेगा? तो ऑक्शन हमें जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जुलाई का महीना, मई से डायरेक्ट जुलाई, ज्यादा कुछ मत सोचिए कि हमें जून के महीने में देखने को मिल सकता है। आराम से जुलाई के महीने में जो ऑर्गेनाइजर्स है वो प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन करवाने वाली है, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि जो सेकंड नेचुरल विंडो है वो अर्ली अक्टूबर या फिर सितंबर के लास्ट वीक में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है वो प्रो कबड्डी का 11वां सीजन करा सकते, तो समय बहुत ज्यादा है, ऑक्शन इतना जल्दी करा के कोई फायदा नहीं है। तो जुलाई बिल्कुल परफेक्ट टाइम होने वाला है प्रो कबड्डी ऑक्शन के लिए। एंड इसी के साथ वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलते, क्या हो ऑक्शन अगस्त में हो। जी हाँ, अगस्त में भी ऑक्शन करा सकते हैं, जैसे कि प्रो कबड्डी सीजन 9 हुआ था, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ लीग एंड ऑक्शन हमें अगस्त के पहले वीक में देखने को मिला। तो अगस्त में भी अगर ऑक्शन हुआ तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, पूरा अगस्त का महीना, सितंबर का महीना प्री सीजन कैंप के लिए सभी टीम्स को दिया जाएगा, तो कुछ नहीं कह सकते। जुलाई का महीना परफेक्ट टाइम होने वाला है एंड अगस्त में भी होगा, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन डेट ऑर्गेनाइजर्स अनाउंस कर दे। उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में ही अनाउंस हो जाएगा एंड यही उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में भी हमें रिटेंशन कंप्लीट होता हुआ दिख जाए एंड जुलाई इज द राइट टाइम टू कंडक्ट पीकेएल सीजन 11 ऑक्शन। एंड बंगबंधु कबड्डी कब भी होने वाला है, 26 मई से स्टार्ट होगा एंड 3 जून तक चलने वाला है,
तो कोचेस के पास भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इंटरनेशनल प्लेयर्स फाइंड करने के लिए, स्काउटिंग कर सकते हैं एंड प्लेयर्स को ऑक्शन में पिक कर सकते हैं। एंड जो भी अपडेट्स आएंगे टूर्नामेंट के रिगार्डिंग, पीकेएल 11 के रिगार्डिंग, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके @sportsnif7 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आईपीएल भी एंड हो रहा है, 26 मई को फाइनल है एंड T20 वर्ल्ड कप अगले महीने से स्टार्ट होगा 2 जून से। जून का पूरा महीना हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा एंड इसके रिगार्डिंग जो भी मैचेस के प्रेडिक्शन है वो आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, उसमें आपको क्रिकेट के मैचेस के प्रेडिक्शन बेस्ट एक्यूरेसी के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री में आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेलीग्राम चैनल का भी देखने को मिल जाएगा। जाइए एंड फटाफट राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही समय होना चाहिए प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इस पे भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है ऑक्शन से पहले, उस पे भी वीडियोस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आपने इस सीजन के लिए सभी प्लेयर्स के रिकेटेगराइज लिस्ट नहीं देखा है तो उस पे भी वीडियो बना दिया है, ये वाला वीडियो शो हो रहा होगा, क्लिक कीजिए एंड उसी वीडियो में आप सभी से मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।